दोस्तों चलिए दूसरे सिगरेट की बात करते हैं जो अमीरों का सिगरेट है। यह है अमीर स्वाभिमानी होते हैं। यहाँ स्वाभिमान का मतलब ये नहीं है जो आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर एटीट्यूड देखते हैं, वो स्वाभिमान नहीं है। वो एक ईगो है जिसे हम घमंड भी कह सकते हैं, वो स्वाभिमान नहीं है। असल स्वाभिमान वो होता है जिसमें आदमी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, वो खुद पर डिपेंड होता है, अपने सारे काम खुद करता है और अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इसे ही स्वाभिमान कहते हैं। स्वाभिमान का ये मतलब नहीं है कि आप घमंड में आ जाए और किसी से भी बात ना करें, उसे स्वाभिमान नहीं कहते हैं। दोस्तों अमीर लोग इस तरीके से स्वाभिमानी होते हैं कि वो हर चीज़ को या हर काम को करने की कोशिश करते हैं। वो किसी के टुकड़ों पर पलने की कोशिश नहीं करते या वो अपने नाम का ही खुद एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। वो किसी दूसरे के सहारे जिंदा रहने की कोशिश नहीं करते। जैसे बहुत से लोग एक नौकरी पा लेते हैं और हमेशा फिर अपने बॉस की गुलामी करते रहते हैं। वो हाँ या ना सब चीज़ों में अपनी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वो चाहे लीगल काम करे इलीगल काम करे सब काम में उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपने इज्जत को धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। क्योंकि जो इंसान स्वाभिमानी होता है वो गलत बातों को गलत कहता है और सही बातों को सही कहता है। वो हर किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाता या वो लोगों से दब करके रहता नहीं है जैसे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आपको दूसरों के अंदर काम करना पसंद है, और जब आप दूसरों के अंदर काम करते हैं तो आपका स्वाभिमान धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्योंकि जो इंसान दूसरों पर डिपेंड है अपने काम के लिए या पैसे के लिए सैलरी के लिए, वो स्वाभिमानी हो ही नहीं सकता। या अगर वो स्वाभिमानी है भी तो वो 100% स्वाभिमानी नहीं है। क्योंकि 100% स्वाभिमानी इंसान कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होता। वो हर फैसले खुद लेता है, हर काम वो खुद करता है या ऐसे टीम बनाता है जिससे वो काम करवाता है। वो दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलता, ये दूसरों के भीख में मिली हुई चीज़ों को नहीं लेता। वो अपने दम पर कुछ करने की सोच रखता है। जो इंसान अपने दम पर कुछ करने की सोच रखता है वही इंसान अमीर बन सकता है। नहीं तो बाकी लोग जैसे भिखारी होते हैं उस तरीके से लोगों को मांगते ही रहते हैं। वो लोग अगर उनके पास कुछ नहीं है तो दूसरों से मांग लेते हैं या फिर कुछ भी नया जुगाड़ करके या कहीं से भी अरेंजमेंट करके मैनेजमेंट करके वो उस चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन वो अपने दम पर किसी चीज़ को हासिल करने की सोच नहीं रखते और यही स्वाभिमान की कमी होती है। जबकि अमीर लोग अपने दम पर हर काम करने की सोच रखते हैं। अगर वो कुछ कार भी खरीदना चाहे बाइक भी खरीदना चाहे तो अपने दम पर खरीदने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी ऐसा काम क्यों ना करना पड़े उसके लिए, चाहे उसमें कितने भी मेहनत क्यों ना लगे, वो मेहनत करने को तैयार होते हैं। क्योंकि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना भी जानते हैं। अगर आप भी आपके अंदर भी स्वाभिमान है, आप दूसरों पर डिपेंड रहना नहीं चाहते, अभी तो आप डिपेंड है, लेकिन आपके दिल से इच्छा है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने, आप एक जंगल के शेर की तरह आजाद जिए या आपके पास टाइम फ्रीडम हर चीज़ की फ्रीडम हो, तो आप में स्वाभिमान है और ये स्वाभिमान आपको कभी ना कभी अमीर जरूर बनाएगी। धन्यवाद।